हेलो फ्रेंड्स, आज हम पोहे का बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाने वाले हैं। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, हमने यह नाश्ता बनाने के लिए एक पैन लिया है और एक कटोरी पोहा लिया है। अब एक कटोरी पोहा को हम इस बर्तन में डाल देंगे। पोहा को डालने के बाद उसे पानी से अच्छे से वॉश कर लें, क्योंकि पोहा में थोड़ा सा डस्ट रहता है, इसलिए इसे पानी से धोकर साफ़ कर लें। ये देखिए, मैंने इसे पानी से धो लिया है। अब इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए भीगने देंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालें, पोहे के बराबर ही पानी डालें थोड़ा सा। इसे हल्का मुलायम सॉफ्ट होने तक भीगने। पोहा जब तक भीग रहा है तब तक हम इसके लिए तड़का बना लेते हैं। तड़का बनाने के लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाई है। कढ़ाई को गर्म होने दें। कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गर्म हो जाए तो उसमें हम 1/2 छोटी चम्मच राई डालेंगे। राई को अच्छे से छटकने दें। राई छटक जाए तो उसमें 1/2 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा को भी हल्का ब्राउन होने दें। जीरा हल्का ब्राउन हो जाए तो उसमें हम 1 चम्मच हरी मिर्ची डालेंगे। हरी मिर्ची को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। चलिए, अब पोहा अच्छे से भीग चुका है और हमने तड़का बना के तैयार कर लिया है। अब इसी तड़का में हम जो तड़का बनाया था उसे अच्छा से ठंडा होने दिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरा तड़का अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसमें हमने जो पोहा भिगा के रखा था उसे भी डाल देंगे। देखिए, पोहे ने अच्छे से पानी को अब्जॉर्ब कर लिया है। चलिए, अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अगर तड़का गर्म हो तो आप इसे चम्मच से मिक्स कीजिए। इसमें हम 1 से 2 चम्मच बेसन डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल दें और थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दें। अब इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम इसे हाथ से अच्छे से मैश करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे अच्छे से मैश करके इसका एक डो बना के तैयार कर लिया है। अगर आपका डो गीला लगे तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच बेसन और डालें और इसे अच्छे से बना लें डो। ये देखिए, हमने इस डो का छोटा छोटा पार्ट लेंगे और इसे जैसे मैं गोल गोल कर रही हूँ वैसे आप भी इसे गोल गोल पूड़ी के जैसे लोई बना के तैयार कर लें। ये देखिए, जैसे मैं बना रही हूँ वैसे आप भी बना कर तैयार कर लें। हमने डो का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे अच्छे से रोल करेंगे। अगर आपके हाथों में यह चिपक रहा हो तो आप थोड़ा सा आटा ले लें हाथ में, उसके बाद इसे रोल करें। ये देखिए, ऐसे गोल गोल टिक्की बना के हम तैयार करेंगे। ये देखिए, हमने सभी को गोल गोल टिक्की बना के तैयार कर लिया है। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा आटा छिड़क दिया है जिससे यह चिपके नहीं। अब इधर गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में तेल डालकर इसे अच्छे से गर्म होने दें। ये देखिए, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके जो टिक्की हमने बना के रखी थी उसे डालते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तेल को एकदम हाई फ्लेम पर गर्म ना रखें, मीडियम फ्लेम पर रखें, नहीं तो यह जलने लगेगा। इसे मीडियम फ्लेम पर अलट पला कर अच्छे से ब्राउन होने तक सेक लें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा नाश्ता अच्छे से सिक चुका है। अभी सलाद पलट कर और सेक लें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, नाश्ता अच्छे से बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ऐसे ही आप सभी टिक्की को बना के तैयार कर लें।